तहलका न्यूज। पर्यावरण को बचाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश देते हुए रविवार को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया में वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने संदेश दिया और लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। सुनारिया में हुए वन महोत्सव में एडीसी महेंद्र पाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा, नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल और समाज सेवी राजेश जैन ने प्रमुख तौर पर शिरकत की। सभी अतिथियों ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में पौधे भी लगाए और पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। कार्यक्रम के अवसर पर पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। देखिए कि एक जमाने में ब्राजील में ये कहा जाता था कि वो लंग्स, दुनिया के लंग्स हैं, वहाँ से दुनिया को ऑक्सीजन मिलती है। और अब आपने देखा होगा कि प्रदूषण के कारण 400-500 एयर क्वालिटी इंडेक्स निकल जाती है। ये कोविड टाइम में एयर क्वालिटी फिर भी डाउन हुई, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम ऑक्सीजन के जो लंग्स हैं वो जगह जगह पे पैदा करें। मेरे ख्याल से ये वन विभाग ने और हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव की तरह लिया है कि वो लंग्स जो हैं हमारे जगह जगह बनाएं। और यहाँ पे आज एक लंग बना दिया है तो उससे हवा साफ होगी और मुझे लगता है कि समाज और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज़। देखिए, मैं सबसे पहले तो सबको वन महोत्सव की बधाई देता हूँ। और हालांकि तजर्बा हमारा बुरा था, लेकिन कोरोना की जो दोनों लहर थी उन्होंने साबित कर दिया कि पौधे कितने ज़रूरी हैं हमारे जीवन में, क्योंकि जीवनदायिनी ऑक्सीजन जो है वो रेगुलरली हमको सिर्फ पौधे ही प्रोवाइड कराते हैं, बाकी कुछ प्रोवाइड नहीं कराता। इसलिए मैं जन जन से यही प्रार्थना भी करता हूँ और आपके माध्यम से कि जितना हो सके पौधे लगाएं, और जो पौधे अभी छोटे हैं या जो पौधे इस पोजीशन में नहीं है कि वो ठीक से पनप सके, वो हर एक व्यक्ति हर एक पौधा कम से कम अपना के उसकी परवरिश करे, ताकि हम अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ ऐसा छोड़ के जाएं जिस पर वो नाच कर सके। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।